फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर में मैंने अब वायर कैसी ली, टेढ़ी ली। एक टेढ़ी वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है और करंट है इस पर। प्रॉब्लम यह है कि इस पर हमने क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। अब फोर्स की जो वैल्यू इसके ऊपर निकलेगी, फोर्स इज अ वेक्टर, फॉर्मूला क्या लगेगा, आई इंटू एल क्रॉस बी। अब एल इज अ वेक्टर, वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में अगर करंट कैरिंग वायर टेढ़ी है तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट लेनी है ए से डी लेनी है, टोटल लंबाई नहीं लेनी है ऐसे केस में वायर की, आपने इसमें ए से डी को ज्वाइन कर देना है ऐसे। अब लेंथ ए डी वेक्टर लेगी, डी ए वेक्टर लें, करंट कहां जा रहा है ए से डी, तो वेक्टर भी क्या लेंगे ए डी वेक्टर। तो लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे ए डी, तो आंसर क्या आएगा बी आई लेंथ की जगह ए डी साइन थीटा, क्योंकि ए डी और बी में एंगल कितना है थीटा। राइट, क्लियर है यहां तक। जैसे सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, जहां से करंट स्टार्ट हुआ घूम के वहीं पर वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी जीरो। पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसका एक छोटा सा पार्ट ये ले लेते हैं, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्मॉल पार्ट, क्या आंसर जीरो करेगा। वो क्यों, फिर आंसर जीरो कैसे, हाँ वो नेट वेक्टर है इसके ऊपर तो करेगा, बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, फोर्स डाउनवर्ड है, ऐसी इसमें डाउनवर्ड है, ऐसी ऐसे ये देखो फोर्स ही फोर्स है, और नेट आंसर क्या आना चाहिए सबका सॉल्व करने के बाद, जीरो। क्लियर है यहां तक। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ए से लेके डी तक करंट आई करंट आ रहा है, फिर वो करंट घूम के डी से ए पे आ रहा है। पहला क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन लूप मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, आंसर क्या जीरो, क्योंकि करंट की डिस्प्लेसमेंट ए से स्टार्ट होकर ए पे वापस क्या गई जीरो, आंसर नेट जीरो। वो आपसे पूछेगा नहीं नेट फोर्स जीरो, वो आपसे पूछेगा डीसीए लूप के ऊपर फोर्स बताओ क्या लगेगी, नेट तो जीरो है पर आप बताओ डीसीए पे क्या लगेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के काफी तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको ब्रेक करो दो हिस्सों में। अगर मैं पूछूं कि एडी पे फोर्स क्या लगेगी, एडी तो वेरी स्ट्रेट है, तो आंसर इज बी आई लेंथ की जगह 2r साइन 90, बात खत्म। और इसमें डायरेक्शन बोर्ड के अंदर बी है, करंट इधर है, फोर्स कहां पर ऊपर। और जब मैं पूछूंगा डीसीए के ऊपर फोर्स क्या लगी, अब डीसीए कैसी है आर्क है, और अगर डीसीए आर्क है हम क्या लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे स्ट्रेट डी ए, डी से ए ज्वाइन करेंगे, लेंथ क्या लेंगे 2r, लेकिन 2r कहां लें, इधर की इधर, इधर, क्योंकि करंट कहां जा रहा है डी से ए। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम डीसीए का ये बना लिया मैंने, डीसीए बस करंट की जा रहा है। तो इसके अंदर फोर्स क्या लगेगी बी आई इंटू टू आर इंटू साइन 90, और डायरेक्शन बी बोर्ड के अंदर है, करंट इधर है, बोर्ड फोर्स नीचे। अब सोचो इसके अंदर फोर्स ऊपर और इस पोर्शन पे फोर्स नीचे, सेम फोर्स, नेट फोर्स क्या जीरो। अगर ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लो, आप इस पूरे लूप की नेट फोर्स क्या बता रहे हो मुझे, क्या आंसर आएगा जीरो। मान लो इस वायर ने फोर्स लगाई F1 और दूसरे ने लगाई F2, F1 तो आपको पता ही है क्या है BI into कितना 2R, तो F2 क्या होगा माइनस BI into 2R, माइनस साइन क्या शो करता है डायरेक्शन ऑपोजिट, आंसर। पर ये ज्यादा आसान है फ्लेमिंग का से करना, और नेट फोर्स जीरो तो बिल्कुल ही आसान है। अलग अलग निकाल लो, पहले फर्स्ट वायर की फिर सेकंड वायर की, एक की भी BIR BI 2R, दूसरी BI into 2R, क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें।